मैं डॉक्टर सुषमा जाधव, आज हम देखते हैं कोविड वैक्सीन रिलेटेड 5 इंपॉर्टेंट मिथ्स एंड फैक्ट। मिथ नंबर 1, कोविड वैक्सीन लेने के बाद वैक्सीन की वजह से कोविड टेस्ट पॉजिटिव आती है। फैक्ट कि वैक्सीन में सिर्फ वायरस के कुछ पार्ट्स ही होते हैं, इसलिए इस आधे वायरस की वजह से ना ही इन्फेक्शन होता है ना ही टेस्ट पॉजिटिव आती है। मिथ नंबर 2, वैक्सीन की वजह से एक लड़की या औरत को माँ बनने में मुश्किल हो सकती है। फैक्ट, बच्चेदानी या प्रजनन से जुड़े किसी भी अंग पे वैक्सीन का कोई असर नहीं होता है, इसलिए वैक्सीन की वजह से बच्चा होने में कोई परेशानी नहीं होती। मिथ नंबर 3, वैक्सीन की वजह से वैक्सीन लेने वाले का डीएनए बदल जाता है। फैक्ट, इस वक्त जो वैक्सीन है वो या तो वायरल वेक्टर है या तो फिर मैसेंजर आरएनए है, और जहां पे एक व्यक्ति का डीएनए होता है वहां तक ये दोनों ही नहीं पहुंच सकते, इसलिए वैक्सीन से डीएनए नहीं बदल सकता। मिथ नंबर 4, मासिक धर्म, मेंस्ट्रुअल साइकिल से पीरियड्स के दौरान वैक्सीन लेने से वैक्सीन असर नहीं करता है। फैक्ट कि वैक्सीन से बनने वाली इम्यूनिटी पे मेंस्ट्रुअल साइकिल का कोई असर नहीं होता है, इसलिए एक व्यक्ति मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान या पीरियड्स के दौरान आराम से वैक्सीन ले सकती है। मिथ नंबर 5, वैक्सीन के 2 डोज के बाद एक व्यक्ति को कोविड-19 इन्फेक्शन कभी नहीं हो सकता। फैक्ट, कोई भी वैक्सीन एक व्यक्ति को 100% प्रोटेक्शन नहीं देता है, इसलिए वैक्सीन के 2 डोज के बाद भी इन्फेक्शन होने की संभावना को पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता। इसलिए वैक्सीन लीजिए, मास्क पहनिए। थैंक यू।